जीवन मंत्र योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, आज का वीडियो भी कुछ खास है। आज हम बात कर रहे हैं निपाह वायरस की, जिसका खौफ पूरे भारत में फैला हुआ है। दिल्ली NCR सहित पूरे देश में आजकल अलर्ट घोषित किया हुआ है। इस अज्ञात इन्फेक्शन के चलते केरल में कई सारी रहस्यमयी मौतें हो चुकी हैं। WHO ने निपाह को एक उभरती हुई बीमारी करार दे दिया है। WHO के मुताबिक निपाह वायरस चमगादड़ की एक नस्ल में पाया जाता है। ये वायरस उसमें प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। चमगादड़ जिस फल को खाता है उनके अपशिष्ट जैसी चीजों से संपर्क में आने पर ये वायरस किसी भी अन्य जीव या इंसान को प्रभावित कर सकता है। ऐसा होने पर ये जानलेवा बीमारी का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कौन से 3 फल हैं उनको नहीं खाना है। भूलकर भी उन फलों को नहीं खाएं, क्योंकि उनमें 100% आपकी बीमारी होने की संभावना है। तो जान लीजिए केरल से आने वाले फल। केरल में फैले निपाह वायरस से फिलहाल दिल्ली में कोई खतरा नहीं है, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि लोगों को बचाव के उपाय जरूर कर लेने चाहिए। केरल से जो केले आ रहे हैं उनको खाने से बचें। अगर खाना ही है तो अच्छे से धोकर खाएं, क्योंकि उत्तर भारत में ज्यादातर केले केरल से आते हैं और इन्हें खाना सेहत के लिए अभी सही नहीं है। धोकर खाएं खजूर और आम। खजूर और आम को भी दोस्तों आप धोकर खाएं। रमजान के महीने में खजूर सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। दिल्ली में बड़ी मात्रा में केले और खजूर केरल से ही मंगवाए जाते हैं। निपाह वायरस से प्रभावित केरल के कालीकट और मल्लापुरम जिले में केले और खजूर की बड़ी मात्रा है। एम्स के डॉक्टर्स की टीम यहां जांच कर रही है। ऐसे में यहां से आने वाले फलों को ध्यान से खाना चाहिए। और दोस्तों, हम तो आपको ये सलाह देते हैं कि आप कुछ महीनों तक खजूर, आम और केलों को अवॉइड ही करें। अब जान लेते हैं निपाह वायरस आखिर है क्या, जिसको NIV कहते हैं। मनुष्यों में निपाह वायरस इंसेफ्लाइटिस से जुड़ा हुआ है। इसकी वजह से ब्रेन में सूजन आ जाती है, बुखार, सिरदर्द, चक्कर, मानसिक भ्रम, कोमा और आखिर में मौत इनके प्रमुख लक्षणों में शामिल है। 24 से 28 घंटे में यदि लक्षण बढ़ जाए तो इंसान को कोमा में जाना पड़ सकता है। कुछ केस में रोगी को सांस संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है। केरल के कोझिकोड़े जिले में फैले निपाह वायरस ने भारतीय सेना को भी चिंता में डाल दिया है। निपाह वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज की तरफ से एक एडवाइजरी आर्मी के सभी 6 कमांड हेडक्वार्टर्स को भेजी है। सेना की एडवाइजरी में बताया गया है कि निपाह वायरस के संक्रमण से अब तक केरल के कोझिकोड़े जिले में 3 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि केरल सरकार ने निपाह वायरस से 10 लोगों की अभी तक पुष्टि की है। केरल सहित भारत में इस वायरस को पहली बार डिटेक्ट किया गया है। सेना ने अपने सभी सैनिकों और अधिकारियों को सलाह दी है कि संक्रमण से बचने के लिए चमगादड़ और सुअरों से दूरी बनाकर रखें। सेना ने खास तौर पर अपने सैनिकों को चेताया है कि संक्रमित इलाकों में पेड़ों से जमीन पर गिरे फलों का सेवन बिल्कुल ना करें। इन फलों के खाने से संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।